ये बैग किसका है? एक बार खोल के देख लेता हूँ इस बैग में है क्या। ये तो किसी के कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। ओ भाई रुक जाओ, मेरी बाइक कहाँ लेके जा रहे हो? लगता है ये बैग वाली चोर कमीने की चाल थी। अब सब समझ आ गई, कमीना मेरी बाइक चोरी कर गया। हाँ भाई तुम कहाँ हो? मैं नाले वाले डेरे के पास बैठा हूँ। खैर तो है, तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। कोई मेरी बाइक चोरी करके उसी नाले वाली साइड पे आ रहा है, तो मुझे लगता मैं भी आ रहा हूँ। तू मत आ, मैं किसी भी तरह चोर को वरगला के नाले वाले अगले रोड पे ले आता हूँ। तू वहीं पहुँच, फिर दोनों उसकी अच्छी तरह सुतरोल करेंगे। ठीक है भैया। रुको भाई, रुको। हाँ जी भाई साहब, मैं माजूर बंदा हूँ। मेरे दादा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला है। मैं अगर इसी तरह पैदल चलता रहा तो रात के 2 बज जाएंगे, और इसी दौरान हो सकता है कि मेरे दादा अल्लाह को प्यारे ही ना हो जाए। तुम्हारे दादा मरे या जिए मैं क्या करूँ, ये बताओ मुझे रोका क्यों है? भाई साहब मेहरबानी फरमा कर मुझे मेरे दादा के घर तक तो छोड़ दें। मैंने जिंदगी भर आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, आज तो नेकी खुद मेरे पास चल कर आई है, तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है भाई साहब बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे दादा के घर तक छोड़ आता हूँ। अच्छा भाई साहब ये बताओ जाना किस रास्ते से? इसी कच्चे रास्ते की तरफ चलो। रोको भाई रोको, बस मुझे यहीं उतार दो। लेकिन भाई यहाँ तो जंगल ही जंगल है, आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ है आपके दादा का घर? अभी बताते हैं कमीने, तू मेरे भाई की बाइक चोरी करेगा। कमीने धोखेबाज मेरी बाइक चोरी करता है, भैया इसे पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस के हवाले तो करेंगे करेंगे, पहले थोड़ा इसका नाश्ता भी कर लेते हैं। माफ कर दो यार।